Hello everyone, welcome back to your own Real Homemaking channel. First of all, thank you very much. बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स सबके मैंने पढ़े, प्रिया ने सबका अच्छे से रिप्लाई किया, मैंने भी बहुत कईयों का रिप्लाई किया है, बहुत अच्छा लगा. आई होप कि आपने वो रेसिपी ट्राई करी हो और आपको पसंद आई हो. आज हमारे यहाँ थैंक्सगिविंग है और मैंने सोचा आज थैंक्सगिविंग के दिन थोड़ा इन लोग प्रिया के लिए और गोविंद के लिए स्पेशल रेसिपी तैयार करते हैं. तो पनीर टिक्का जो कि सबको बहुत पसंद है, एपेटाइजर में चाहे तो आप मेन कोर्स में सर्व कर सकते हैं. तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं पनीर टिक्का कैसे बनाता हूँ. तो पनीर टिक्का बनाने के लिए आपको चाहिए लहसुन, अदरक, पनीर, शिमला मिर्च, आप कलरफुल शिमला मिर्च ले सकते हैं, अच्छा लगेगा, प्याज, बढ़िया लाल टमाटर. यहाँ पे मैंने हंकर्ड लिया है. अगर आपके पास हंकर्ड ना हो मार्केट का तो आप घर का दही लेके उसको हंकर्ड बना सकते हैं जैसे कि मैंने किया है. बेसन चाहिए, कड़वा तेल, अजवाइन, भुना जीरा मसाला, गरम मसाला, दरदरा पिसा हुआ सौंफ, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी, नींबू, नमक और थोड़ा सा बटर चाहिए आपको. तो सबसे पहले हम लोग मैरिनेट की तैयारी करते हैं. इस डिश को बनाने की प्री प्रिपरेशन में ही टाइम लगता है, उसके बाद बनाना इसको बहुत आसान है. मैं आपको दिखाता हूँ उसका मैरिनेट कैसे तैयार करना है. तो मैंने नॉन स्टिक पैन लिया है, गैस को मीडियम पे रखें और थोड़ा सा बटर इसमें डाल लें. तो यहाँ पे मैंने आधा चम्मच बटर को हीटअप कर लिया है नॉन स्टिक पैन पे. गैस को मैंने लो पर रखा है. आपको बेसन भूनना है जैसे आप हलवे के लिए आटा भूनते हो या बेसन भूनते हो, लो गैस पर. सबसे पहले मैं थोड़ी सी इसमें अजवाइन डाल दूंगा और यहाँ पे मैंने दो से ढाई चम्मच बेसन लिया है. इसको अब धीरे गैस पे आराम से भूनेंगे. तो यहाँ पर बेसन भूनते हुए मुझे करीब 3 से 4 मिनट हुआ है और देखिए बेसन का कलर हल्का सा चेंज होना शुरू हो गया है. बेसन जलाना नहीं है, हल्का सा ब्राउनिश कलर आ जाए आप समझिए आपका बेसन भुन गया है. तो देखिए मेरा बेसन ऑलमोस्ट यहाँ पर भुन चुका है. तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा मिक्सिंग बाउल लिया है और जो मैंने भुना था बेसन अजवाइन के साथ इसको मैं इसमें डालता हूँ. तो मैं अब इसमें मिलाऊंगा अपना हंकड़. रफली आधा कप आपको इसमें हंकड़ मिलाना है. तो ये रेसिपी मैं 4 लोगों के लिए बना रहा हूँ. अगर आप ज़्यादा या कम लोग के लिए बनाएं तो अकॉर्डिंगली सामान को प्रोपोर्शन में कम या ज़्यादा कर लें. भुने हुए बेसन को अपने हंकड़ के साथ अच्छे से मिक्स कर लीजिए. अब मैं इस मिक्सचर में लहसुन और अदरक को घिस के डालूंगा. अगर आपके पास लहसुन अदरक का पेस्ट है आप वो डाल लीजिए, लेकिन अच्छा फ्लेवर फ्रेश कटे हुए से आता है. तो मैंने यहाँ पर 4 लहसुन की कलियाँ डाली हैं घिस के और करीब एक छोटा टुकड़ा अदरक का डाला है. अब मैं इसमें मसाले डालूंगा. ये मैंने इसमें सौंफ डाली है कूटी हुई. अब मैं इसमें डाल रहा हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर. अब मैं इसमें गरम मसाला डालूंगा करीब 1 चम्मच. गरम मसाला घर का फ्रेश, बहुत अच्छा खुशबू भी देता है. और अंत में मैं डालूंगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च. ये अगर आपको तीखा खाना पसंद है आप ज़्यादा डालिए, हम लोगों को तीखा बहुत पसंद नहीं है इसलिए मैं कम डालूंगा. करीब मैंने आधी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च में डाली है. और इसके बाद मैं इसमें ऊपर डालूंगा नींबू. मैंने इसमें करीब 1 छोटा नींबू के बराबर नींबू का रस डाला है. अब मैं इसको इस पेस्ट को अच्छे से मिक्स करूंगा. मैंने इस पेस्ट में सारे मसाले को अच्छे से मिक्स कर लिया है. लास्ट में इसमें मैं डालूंगा नमक स्वादानुसार. मैंने यहाँ पर 1 चम्मच करीब 1.25 चम्मच नमक इसमें डाला है. आपने मैरिनेट का कलर देखा, अभी बाजार ऐसा कलर नहीं आया है क्योंकि हमने इसमें हल्दी नहीं डाली है. अब अगर आप इसमें हल्दी डायरेक्टली मिक्स कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ब्राइट येलो कलर चाहिए पनीर टिक्के का तो देखिए मेरी ट्रिक क्या है. मैंने सेम नॉन स्टिक पैन लिया जिसमें मैंने अपना बेसन भुना था. अब मैं गैस ऑन करके इसमें कड़वा तेल डालूंगा. यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कड़वा तेल या मस्टर्ड ऑयल लिया है. इसको मैं गरम करूंगा जब तक इसमें से धुआं ना निकले. धुआं निकलते ही मैं गैस को बंद कर दूंगा. देखिए यहाँ पर तेल में से धुआं निकल रहा है, मैंने गैस बंद कर दी है. इसको मैं गैस पर से हटा के 1/2 चम्मच हल्दी इसमें डालूंगा. हल्दी तेल में जाके अपना कलर अच्छे से छोड़ देगी और पक जाएगी एंड दैट विल गिव अ वेरी ब्राइट येलो कलर टू आवर पेस्ट. इस तेल मिक्सचर को मैं अपने पेस्ट में मिलाऊंगा.
इसको अच्छे से मिक्स कर ले। आप ऑलरेडी देख सकते हैं ब्राइट येलो कलर, जैसा आपको बाजार में टिपिकली खाने को मिलता है। मैं एक इंग्रेडिएंट आपको बताना भूल गया था, कसूरी मेथी। मैं पेस्ट में एट द एंड कसूरी मेथी भी डालता हूँ, करीब एक चम्मच। और अभी मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाता हूँ। ये देखिए मेरे पेस्ट की कंसिस्टेंसी। अगर आपका पेस्ट बहुत पतला रहेगा तो कोटिंग प्रॉपरली नहीं होगी। पनीर को यहाँ पर जैसे देखिए, जैसे मैं हल्का सा मोटा काट रहा हूँ, इस फॉर्म में आप काट लें क्योंकि आपको स्क्यूअर्स में लगाना है। तो मैं पनीर जो मैंने काट लिया है, इसको मैं मैरिनेट में मिलाने जा रहा हूँ। कोटिंग के लिए हम लोग एक एक करके सब्जियाँ भी काटेंगे और उसको भी मैरिनेट में मिक्स करते जाएंगे। अच्छे से इसको कोट करा दें। अब मैं टमाटर काटूंगा। आपको क्यूब्स काटने हैं तो आप इसकी आई हटा दीजिए और टमाटर का जो बीजा है इसको आप निकाल लीजिए और इसको फेंकिए मत, इसको आप प्रिजर्व कर लीजिए। आप अपनी जब नेक्स्ट टाइम सब्जी बनाएं या सूप बनाएं आप उसमें यूज कर सकते हैं। टोमेटोज को ऐसे आप क्यूब के फॉर्म में काट लें जिससे आपको स्क्वेयर्स में लगाने में आसानी रहे। अब ये टमाटर जो मैंने काटे थे इसको भी मैं मैरिनेट में मिलाऊंगा। हंग कर्ड यूज करने का यही फायदा है कि आपका मैरिनेट थोड़ा सा थिक है और देखिए अच्छी कोटिंग हो जाती है। प्याज का भी थोड़ा सा टुकड़ा ले लें आप और इसको भी क्यूब्स के फॉर्म में काटें। देखिए बहुत छोटा नहीं काटना है, क्यूब्स के फॉर्म में, दैट्स इट। इसके बाद आप प्याज को अलग अलग कर लें स्क्वेयर्स में लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं क्यूबिकल कटे हुए प्याज को भी मैरिनेट में मिक्स करूंगा। ये देखिए बढ़िया कोटिंग हो जानी चाहिए। ऐसे ही मैं पूरे प्याज को मिक्स कर लूंगा। मैंने शिमला मिर्च भी यहाँ पर क्यूब के फॉर्म में काट ली है। मैंने पूरी शिमला मिर्च नहीं ली है, मैंने आधी आधी शिमला मिर्च ली है, आधी हरी और आधी ऑरेंज वाली। तो मैंने शिमला मिर्च भी मैरिनेट के साथ मिला ली है और अब मैं इस पर भी कोटिंग चढ़ाऊंगा। चम्मच की जगह मैं अब इसको हाथ से मिक्स करूंगा। सारी सब्जियों पर अच्छे से कोटिंग मैंने कर दी है। अब मैं एंड में इसके ऊपर प्लास्टिक रैप लगाऊंगा और इसको करीब आधे घंटे के लिए फ्रीजर में, या फिर अगर आपके पास टाइम है तो एक घंटे के लिए इसको नॉर्मल फ्रिज में रख दीजिए ताकि आपकी कोटिंग अच्छे से सेट हो जाए। मैरिनेट किए हुए मुझे 20 मिनट हो चुके हैं तो मैं अपने ओवन को प्रीहीट करूंगा 450 डिग्री फ़ारेनहाइट या रफली 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड पर। हाफ एन आवर हो गया मैरिनेट किए हुए, मैंने इसको फ्रीजर से बाहर निकाल लिया है। ये देखिए, तो इस रेसिपी को मैं आपको दो तरीके से बनाना सिखाऊंगा। पहला मैं आपको ओवन में बना के दिखाऊंगा जिसके लिए मैंने ओवन को ऑलरेडी प्रीहीट करना स्टार्ट कर दिया है। सेकंड, अगर आपके पास ओवन नहीं है या फिर आप ओवन को यूज नहीं करना चाहते हैं और सीधा गैस स्टोव पे बनाना चाहते हैं तो आप कैसे प्रोसीड करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये पहला तरीका है ओवन में बनाने के लिए। मैंने दो लंबे स्क्यूअर्स लिए हैं, मेटल के लिए हैं, आप चाहें तो वुडन भी ले सकते हैं। मैंने ट्रे ली है ताकि मैं अपना ओवन गंदा ना करूं और मैं स्क्यूअर्स को ट्रे के ऊपर ही रख दूंगा इस तरीके से। अगर आप वुडन स्क्यूअर्स यूज़ कर रहे हैं या टूथपिक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप उनको पानी में थोड़ा सा भिगो के रख लें, इससे आपको आसानी रहती है, नहीं तो बहुत वो सूख सी जाती है। और मैंने यहाँ पर एक हैवी बेस वाला नॉनस्टिक पैन लिया है, मैंने ग्रिलिंग पैन लिया है, आप चाहे तो सिंपल नॉनस्टिक ले सकते हैं गैस स्टोव पर बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग गैस स्टोव के ऊपर बनाने के लिए मैंने टूथपिक लिया है। ओवन की प्रिपरेशन करूंगा तो मैंने स्क्यूअर्स में हल्का सा ऑयल लेके हल्का सा ऑयल रब कर लिया है। सो गैस स्टोव पे करने के लिए मैंने अपने नॉनस्टिक पर हल्का सा मैं ऑयल लगा लूंगा और इसको मीडियम फ्लेम पर गरम कर लूंगा। विद इन 5 मिनट्स आप इनको पलटते रहिए ताकि जले ना, और देखिए आपको कितना अच्छा टेक्सचर आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर सब बहुत अच्छे से पका लिया है। देखिए अब टाइम है इनको अच्छे से सजा के और वाइफ को खुश करने का।
गार्निश कर रहा हूँ। और सर्व करने से पहले इसके ऊपर थोड़ा चाट मसाला डालिए, उससे बहुत अच्छा स्वाद आएगा। मैंने करीब 20 मिनट इसको पकाया है और मेरा पनीर टिक्का रेडी है। और हम लोग इसको चाट मसाले से गार्निश कर लेते हैं और इसको सर्व करिए हरी चटनी के साथ। चैनल पर आपको हरी चटनी की वीडियो मिल जाएगी, जो मैं नीचे आपके साथ शेयर भी कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो ये थी मेरी पनीर टिक्का की रेसिपी, उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप इसे रिक्रिएट करते हैं तो प्लीज़ उन फोटोज को इंस्टाग्राम पर हमारे साथ शेयर करिएगा। इंस्टाग्राम का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एंड थैंक यू अगेन फॉर गिविंग सो मच लव टू माई फर्स्ट वीडियो। चलिए मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ अगली बार। टिल देन बाय।